हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स बच। नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब वेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोविजनल आंसर की एनटीए द्वारा ऑफिशियली कब रिलीज़ किया जाएगा। सो गाइज, आज आप सभी के इस प्रोविजनल आंसर की के रिगार्डिंग बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आई हैं। कब तक आपका ये आ जाएगा इसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा जो स्टूडेंट्स बज का टेलीग्राम चैनल है उसको भी लगे हाथ ज्वाइन कर लीजिए एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इन फ्यूचर जो भी हमारी अपडेट आएगी आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कट ऑफ एंड फर्दर रिजल्ट, सारा का सारा आपके लिए क्या और बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट के मार्क्स उतने मतलब नहीं आ रहे हैं जिस पे उनको हो सकता है कॉलेज MBBS न मिल पाए, तो वो सारे चीज़ों का भी आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा आने वाले टाइम में। साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा लेटेस्ट अपडेट की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान टाइम्स या फिर हम बात करें यहाँ पे TOI, ठीक है, टाइम्स नाउ की अगर बात करें, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो आपके इंडिया के टॉप अगर मैं बात करूँ मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके जो नीट का आंसर की है उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स ये निकल कर आ रहे हैं कि आपके नीट UG के जो आंसर की है टू बी रिलीज्ड सून। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी दिया हुआ है। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका आंसर की आएगा वो आपका exams.nta.ac/neet, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे तो इसी पे आपका जो प्रोविजनल आंसर की आएगा एंड उसके बाद आपको इसमें 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है जहाँ पे आप लोग अपना इसको चैलेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है नीट के एंड उसके बाद आपको ओपन करना है पेज एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करने का एंड उसके बाद आपके लॉगिन होते ही आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। बट फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकते हैं तो देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ जो आर्टिकल्स है वो बता रहे हैं कि आपका 28 मई तक आपके जो प्रोविजनल आंसर की है वो आप सभी लोगों को रिलीज कर दिए जाएंगे, ये जो इनके रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ NTA का जो ऑफिशियल शेड्यूल है या फिर NTA का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसमें अभी तक आपका कोई भी ऑफिशियल डेट आपके प्रोविजनल आंसर की के रिगार्डिंग नहीं दिया गया है। मेक श्योर आप लोग स्टूडेंट बस के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्विक अपडेट्स एंड बहुत सारे आपको आगे भी करियर ऑप्शन मिलते रहेंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं बेटर जो भी कॉलेज है वो आपको मिल जाए। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आपका एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है ये आपका टाइम्स नाउ न्यूज़ की तरफ से मेंशन किया गया है इनके तरफ से, ये आपका 28 मई तक आपका प्रोविजनल आंसर किया जाएगा। एंड अगर बात करें यहाँ पे OMR की तो OMR जो आपका होगा बेसिकली वो लास्ट वीक ऑफ मई तक रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को जो भी क्वेश्चन को चैलेंज करना होता है वो आप कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ आपके फाइनल आंसर की तो फाइनल आंसर की आपका जब भी रिजल्ट आता है वो उसके एक दिन पहले लगभग आ जाता है। कभी कभी आपका जो रिजल्ट है और आपका जो फाइनल आंसर की है वो दोनों एक साथ आता है, तो उसकी अगर ऑफिशियल डेट की बात करूँ तो वो आपका यहाँ पे मैं बता दूँ 14 जून है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन गलत किया है, अगर आप नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चेक करोगे तो वहाँ पे आपका डेट नीट का रिजल्ट का वो आपका 14 जून मेंशन है, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को सारी जो अभी का लेटेस्ट अपडेट है वो मिल गया होगा एंड आपके जो भी ये डाउट आ रहे हैं वो भी आपका खत्म हो गया। फिलहाल में आप सभी लोग यहाँ पे जो हमारी और भी वीडियोज हैं वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फर्दर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।